और 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर लाल किले में भव्य समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। आइए सीधे लेके चलते हैं। सबके मन में गुरु तेग बहादुर जी के मन में अनन्य भाव है, और जहां तक हिंदुओं का सवाल है, श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान ही हिंदू धर्म की रक्षा के काजे हुआ। कश्मीरी पंडितों ने जब उनके सामने उन पर जो बेइंतहा अत्याचार होते थे इसकी बात रखी, तब गुरु साहब ने निर्णय किया और अपना सर्वोच्च बलिदान यहीं सामने चांदनी चौक के सामने, जहां आज किशनगढ़ गुरुद्वारा विद्यमान है, वहां पर दिया। और इसीलिए उनको हिंदी चादर का नाम से आज भी 400 साल के बाद भी न केवल भारत, पूरी दुनिया सम्मान, श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके कार्यों को, जीवन को और उनके संदेश को नमन करता है। आज मैं सबको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे सौभाग्यशाली प्रधानमंत्री है, क्योंकि उनके कालखंड के अंदर ही गुरु नानक देव जी महाराज का 550वां प्रकाश पर्व आया, गुरु तेग बहादुर जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का भी मौका और सौभाग्य नरेंद्र मोदी जी को मिला। और नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के माध्यम से ये तीनों प्रकाश पर्व को बहुत मन और भक्ति भाव के साथ मनाकर न केवल भारत, पूरी दुनिया के अंदर महान सिख गुरुओं के संदेश को, उनके भक्ति के संदेश को, उनके वीरता के संदेश को, बलिदान और समानता के संदेश को पूरी दुनिया के सामने उजागर करने का काम किया। और आज हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जब ये कार्यक्रम हो रहा है तब देश अपनी स्वतंत्रता का 75वां साल भी मना रहा है। और 75वें साल में आज यही लाल किले के मैदान में हम सब बैठकर गुरु साहब की वाणी का श्रवण किए हैं, जहां से कभी गुरु साहब को बलिदान करने का फतवा जारी किया था, वहीं पर बैठकर आज उनके गुणगान और भक्ति गाने का मौका ईश्वर ने हम सबको दिया। ये हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात। गुरु साहब का जीवन हम सबके लिए न केवल अनुकरणीय है, युगों युगों तक देश के हर बच्चे को, देश के हर युवा को प्रेरणा देने वाला जीवन रहेगा। बचपन से ही त्याग, समर्पण, बलिदान और वीरता के गुण से बचपन से ही गुरु साहब ने अपना परिचय दिया था। गुरु हरगोविंद साहब की छत्र छाया में शिक्षा और दीक्षा हुई, और बाद में त्याग मन से गुरु तेग बहादुर तक की यात्रा 13 साल की कम उम्र में ही उन्होंने पसार करी। 13 साल की उम्र में करतारपुर साहिब के ऐतिहासिक युद्ध में, ऐतिहासिक घेरे में जिस वीरता के साथ उन्होंने तलवार से, तेज से मुगलों का सामना किया, तब जाकर 8वें गुरु साहब ने उनको तेज बहादुर नाम से अलंकृत करने का काम किया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।